My dear students, welcome back for engineering physics class. अभी हम नैनो मटेरियल्स के बारे में वेरियस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम उसी सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटम वेल्स, क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम डॉट्स। तो नैनो मटेरियल्स, और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस तरीके से क्वांटम वेल, वायर एंड डॉट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसकी क्या यूज होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम वेल्स, वायर्स एंड डॉट्स, ये है आज की टॉपिक और इस वीडियो लेक्चर की टॉपिक, और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाता है। तो लिखते हैं क्वांटम वेल्स, क्वांटम वायर्स, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स। तो सबसे पहले हम क्वांटम वेल को ही डिफाइन करेंगे। क्वांटम वेल, उसका दूसरा नाम पोटेंशियल वेल भी है, जिसको आपने क्वांटम फिजिक्स 1D में पढ़ा है। तो ये पोटेंशियल वेल ऑफ नैनोमेट्रिक साइज इज नोन एज क्वांटम वेल। पोटेंशियल वेल को क्वांटम वेल कहते हैं। तो पोटेंशियल वेल क्या है, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस वेल इज लाइक ए केज वेयर कैरियर पार्टिकल्स दैट इज एक्साइटेंस कैन बी ट्रैप्ड लाइक लाइट कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन मिरर्स। जैसे लाइट मिरर के बीच में ट्रैप होता है, उसी तरीके से ये एक्साइटेंस जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो केज लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाती है। दूसरा फिर इसमें हम लिखेंगे, दीज ट्रैप्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटम कन्फाइंडमेंट। क्वांटम कन्फाइंडमेंट, कन्फाइंडमेंट मतलब एक जगह बंद करके रख देना, इन 1D, 2D और 3D। डी मतलब डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो अब इसको आगे फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1D, 2D और 3D क्वांटम कन्फाइनमेंट होता है इसमें, और इसमें जो पार्टिकल है क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल यूज होता है, और तीनों डायमेंशन में चेंज होता है। ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट द मोशन ऑफ
carriers is restricted, restrict कर दिया जाता है motion of carriers, excitants. In quantum well, the excitants can move freely sideways as thin layer, एक साइड में जमा हो जाता है थिन लेयर की तरह. इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है उसको हम लिखते हैं एप्लीकेशंस. इसकी जो एप्लीकेशंस है सेमीकंडक्टर लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर. अब हम नेक्स्ट जो इसकी डिवाइस है क्वांटम वेल के बारे में पढ़ लिया, अब क्वांटम वायर्स. क्वांटम वायर्स क्वांटम वायर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट, 2D और डायमेंशंस आर इन नैनो रेंज और नैनोमेट्रिक रेंज. दो डायमेंशंस नैनो रेंज में कर दिया जाता है. थर्ड वन इज लार्ज, थर्ड वन इज लार्ज मतलब तीन डायमेंशंस में से दो डायमेंशंस नैनो में हो जाती है. सेकंड है पॉइंट, इट्स शेप इज लाइक ए रॉड. रॉड शेप में हो जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कभी नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड्स, नीडल्स, वायर्स, अलग अलग नाम से भी इसको बोला जाता है. थर्ड पॉइंट है क्वांटम वायर में, 1D क्वांटम कन्फाइनमेंट. इसमें वन डायमेंशनल क्वांटम कन्फाइनमेंट होता है. तो इसलिए क्वांटम वायर इम्पोर्टेंट है. अब हम डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं. पहले हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये है बल्क मटेरियल, जिसमें LX, LY, LZ तीनों लेंथ है और ये बल्क मटेरियल है. जब ये क्वांटम वेल बनेगा तो किस तरीके से कौन सी साइड ये रिड्यूस होगा आप देख सकते हैं. बल्क मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू ए क्वांटम वेल. इन द नेक्स्ट डायग्राम जिसमें दो डायमेंशन चेंज नहीं होता, LX और LY और LZ डायमेंशंस चेंज होता है, जिसकी थिकनेस डायमीटर लेस देन 100 नैनोमीटर हो जाता है और इसको हम कहते हैं क्वांटम वेल. लिख लेते हैं क्वांटम वेल. अब नेक्स्ट है क्वांटम वायर. दिस इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दो डायमेंशंस छोटा हो जाता है, एक डायमेंशंस क्वांटम वायर.
D is less than 100 nanometer और एक डायमेंशंस लार्ज डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम डॉट, इसकी तीनों डायमेंशंस ऑल दी थ्री डायमेंशंस आर लेस देन 100 नैनोमीटर। डी इज लेस देन 100 नैनोमीटर इन ऑल थ्री एक्सेस, इसको हम कहते हैं क्वांटम डॉट। तो ये डायग्राम में हमने क्वांटम वायर, क्वांटम वेल और क्वांटम डॉट को हमने रिप्रेजेंट किया और उसके डायमेंशंस वाइज इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम क्वांटम डॉट की डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेते हैं। क्वांटम डॉट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट, ऑल थ्री डायमेंशंस रिड्यूस टू नैनोमेट्रिक रेंज। इट इज कॉल्ड क्वांटम डॉट, तीनों डायमेंशंस रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है जीरो डी क्वांटम कन्फाइनमेंट, जीरो डायमेंशन क्वांटम कन्फाइनमेंट। मतलब कोई साइज भी बड़ा नहीं रहता। थर्ड पॉइंट है इट बिहेव्स लाइक सिंगल एटम रादर देन मैनी एटम्स। तो आज हमने एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्वांटम वेल, क्वांटम वेयर, क्वांटम डॉट के बारे में पढ़ा और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नैनोमटेरियल्स में पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।